गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, फिर से मैं लेके आया हूँ आपके लिए नई नई फाइनेंस अपडेट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर अपडेट्स मिलती हैं फाइनेंस रिलेटेड एंड जीएसटी एंड इनकम टैक्स से रिलेटेड भी। जब भी कोई इंपॉर्टेंट अपडेट होती है वो आपको इस चैनल पर मिल जाती है, चाहे वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट हो चाहे थ्योरेटिकल एस्पेक्ट हो। चलिए आज की न्यूज स्टार्ट करते हैं। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर उम्मीद कर रहे हैं कि इंडिया ग्रोथ करेगी 7-8% एंड इसे कंटिन्यू रखेगी और इंडिया वर्ल्ड लीडर बन जाएगा ग्रोइंग इकोनॉमी के केस में। अभी भी वैसे भी फर्स्ट या सेकंड पे हम लोग रहते हैं, अगर ग्रोथ की बात करी जाए चाइना से कंपेयर करते हैं हम लोग तो। काफ़ी सारी रेट्स वगैरह जीएसटी में कम की थी, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी सुधारी जा रही है जिससे फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स और अच्छे आ सकें। मैंने पिछली न्यूज में भी बताया था कि चार बॉडीज को, मतलब आईसीआई, आईसीएसआई, इस तरह के कुछ इंस्टीट्यूट्स को अपॉइंट किया है जिससे और सुधार हो सके फॉरेन इन्वेस्टमेंट में। तो देखते हैं आने वाले टाइम में हमें कितना सुधार देखने को मिलेगा। अगली न्यूज की बात करें तो ईपीएफ जो रिटायरमेंट बॉडी है उसने क्लियर कर दिया है कि अब अगर आपको प्रोविडेंट फंड 10 लाख रुपए से ज्यादा का विड्रॉ करना है तो आपको ऑनलाइन ही सबमिट करना पड़ेगा, ऑनलाइन फैसिलिटी प्रोवाइड होगी। इसके अलावा ईपीएफ में ही एक और पेंशन स्कीम होती है, तो अगर पेंशन स्कीम आपकी 5 लाख रुपए से ज्यादा का विड्रॉल है तो भी आपको ऑनलाइन फाइल करना पड़ेगा। तो बेटर है, ऑनलाइन फैसिलिटी से ईज तो हो ही जाती है, डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में फंड आ जाता है, आपको भागदौड़ी नहीं करनी होती। तो ये एक ऑनलाइन प्रोसेस के लिए बहुत अच्छा है। पेपरलेस पॉलिसी अगर इस तरह की और भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में आएंगी तो अच्छा होगा। अगली न्यूज की बात करें तो जीएसटी ने अपनी रिपोर्ट भेजी है कि जीएसटी कलेक्शन कितना हुआ। तो जीएसटी कलेक्शन जनवरी का अब तक हो चुका है 86,318 करोड़, तो 86,318 करोड़ हो चुका है, जो दिसंबर मंथ से थोड़ा कम है, 350 करोड़ के आसपास कम है। रिटर्न्स की बात करें तो रिटर्न जनवरी में फाइल हो चुकी है अब तक 57.78 लाख GSTR3 भी, जो एक्चुअल में केवल 69% है, मतलब हर टैक्सपेयर फाइल नहीं कर रहा है, अभी भी कंप्लाइंस पूरे कंप्लीट नहीं हो रहे हैं। और 1.03 करोड़ टैक्सपेयर अभी तक रजिस्टर्ड हो चुके हैं 25 फरवरी 2018 तक, जिसमें 17.65 लाख डीलर्स कंपोजिशन डीलर में ऑप्ट किया है। तो अभी भी कंप्लाइंस के मामले में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का बता रहे हैं कि कुछ कमी है, वहाँ पर रिटर्न्स वगैरह टाइम पर फाइल नहीं हो रही, आने वाले टाइम पर होगा, बट कुछ कमी सिस्टम की तरफ से भी। जीएसटी पोर्टल हम जैसे देखते हैं कि कुछ ना कुछ फेस करता है, लोगों को कंप्लाइंस में प्रॉब्लम नहीं है, जीएसटी में प्रॉब्लम नहीं है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है हमें प्रॉब्लम है जो सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर से जो डिले हो रही है या फिर जो एरर्स आ रहे हैं, देखते हैं वो आने वाले टाइम में कितना सुधार हो पाता है। अगली न्यूज की बात करें तो इंडसइंड बैंक ने एक स्टेप आगे बढ़कर रिप्पल के साथ टाई अप किया है। रिप्पल एक तरह से बिटकॉइन की तरह काम करता है, ब्लॉकचेन फैसिलिटी है। तो इंडसइंड ने रिप्पल के साथ जो जॉइंट वेंचर बनाया है इससे इन्हें स्मूथ ट्रांजेक्शन्स करने को मिलेंगी। जो फॉरेन में फंड वगैरह ट्रांसफर करते हैं वो स्मूथली कर सकते हैं, इंस्टेंट कर सकते हैं। जैसे शेयर मार्केट में आपके अकाउंट में शेयर इंस्टेंट आ जाते हैं, ऐसे ही फंड ये फॉरेन कंट्रीज में भी इंस्टेंटली प्रोवाइड कर सकते हैं रिप्पल के साथ टाई अप करने के बाद। अगली न्यूज की बात करें तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने 15 दिन का टाइम दिया है सभी पब्लिक सेक्टर बैंक्स को कि भाई एग्जामिन करो जितने भी बैड लोन्स हैं या एनपीए हैं जिनका अमाउंट 50 करोड़ से ज़्यादा है, और उन्हें सीबीआई को रिपोर्ट करो कि ना ये 50 करोड़ से ज़्यादा का एनपीए है और ये डाउटफुल है कि ये फ्रॉड हो सकता है या फिर ये फैसिलिटी लोन रिकवर नहीं होगा। अगली न्यूज की बात करें तो जैसे पीएनबी स्कैम की जो मेन कंपनी निकल के आई थी नीरव मोदी की, वो थी फायर स्टार डायमंड इंक, उसने बैंक्रप्सी केस फाइल कर दिया यूनाइटेड स्टेट्स में। तो ये बचने का पूरा तरीका उन्होंने सोच लिया, अगर बैंक्रप्सी हो गई तो आप कैसे रिकवर करोगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा पैसा रिकवर करना फायर स्टार डायमंड इंक से। अगली न्यूज की बात करें तो इंडिया ने काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन दिखाया है स्टील के मामले में, 9.03 मिलियन टन प्रोड्यूस करती है जापान, उसके लगभग बराबर 9.02 मिलियन टन प्रोड्यूस किया इंडिया ने, तो थर्ड रैंक पे आ गई है और सेकंड रैंक पे बहुत जल्दी आने वाली है स्टील प्रोडक्शन के मामले में। चाइना अभी भी बहुत आगे है, मोर देन 60 मैट्रिक टन अभी वो प्रोड्यूस कर रही है, तो चाइना को बीट करना अभी इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं होगा स्टील प्रोडक्शन के मामले में, लेकिन जापान बहुत जल्दी बीट हो जाएगा एंड सेकंड रैंक पे आ जाएगी इंडिया स्टील प्रोडक्शन में। अगली न्यूज की बात करें तो दिल्ली हाई कोर्ट ने ग्रेटर नोएडा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी को एग्जेम्प्ट कर दिया इनकम टैक्स पे करने से,
केस आ चुका है, क्लियर हो गया है, उन्हें 1046 के बेसिस पे एग्जेम्पशन मिल गई है कि वो कोई भी प्रॉफिट मोटिव एक्शन नहीं कर रहे, प्रॉफिट मोटिव उनका कोई काम नहीं है, तो उन्हें इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। अगली न्यूज की बात करें तो एयर एशिया ने पहली बार बुक किया प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट 13.24 करोड़ हुआ है उनका थर्ड क्वार्टर में। तो आप देख सकते हैं कि एयरलाइंस भी प्रॉफिटेबल हो सकती है अगर थोड़ा सा तरीके से चले, अपना कॉस्ट कटिंग करके रखे हैं, प्लस फ्लाइट्स वगैरह मैक्सिमाइज करें कि ना उनकी ज्यादा से ज्यादा पैसेंजर हो सके। तो एयर एशिया का मोटिव ही यही है कि एक तो ये लो फेयर फ्लाइट्स दे रहे हैं, इनकी लिमिटेड फ्लाइट्स हैं, और जो भी फ्लाइट्स देते हैं वो इनकी कंप्लीट भर के जाती है। ये एयर एशिया जॉइंट वेंचर है टाटा का एंड एयर एशिया का, तो अच्छी बात है कि ना एयरलाइंस भी प्रॉफिटेबल होंगी, तो इनसे हमें सीखने को मिलेगा, जो गवर्नमेंट एयरलाइंस हैं वो भी सीख सकती हैं कि वो प्रॉफिटेबल कैसे होंगी। अगली न्यूज की बात करें तो एम्यूजमेंट पार्क्स, ये काफी एक बड़ी इंडस्ट्री बनने वाली है, 4,000 करोड़ रुपीज तक का टर्नओवर उम्मीद कर रहे हैं कि ये 2020 तक 4,000 करोड़ रुपीज इंडस्ट्री हो जाएगी। एम्यूजमेंट पार्क्स होते हैं आपके जैसे वाटर पार्क वगैरह या फिर इसी तरह के जो भी राइड्स वगैरह के पार्क्स हैं, तो इसका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट देखने को मिला है हाल फिलहाल लोगों में, तो ये काफी ज्यादा इंडस्ट्री ग्रो कर रही है। जो ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट की जा रही है वो 17.5% ग्रोथ रेट एक्सपेक्ट की जा रही है, जो नॉर्मली हम लोग सभी इंडस्ट्री के मामले 6-7% की उम्मीद करते हैं, ये मोर देन 17.5% उम्मीद कर रहे हैं, तो काफी अच्छा स्कोप है इसमें, बिजनेस काफी अच्छा जा रहा है इन लोगों का। अगली न्यूज की बात करें तो ड्राइविंग लाइसेंस और आधार को लिंक करने का प्लान हो रहा है, तो आधार का आप देख सकते हैं कितना स्कोप बढ़ता जा रहा है, एक बार आधार आपने बनवा लिया तो वो हर जगह पर लिंक किया जाएगा। अगर ड्राइविंग लाइसेंस से आधार लिंक हो जाएगा तो आप दूसरे स्टेट में जो अभी ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लेते हैं वो नहीं बना पाएंगे, उस पर रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी। आज के लिए इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और शेयर जरूर कीजिए आपके थॉट्स कि आपको ये न्यूज कैसी लग रही है, अगर अच्छी लग रही है मैं और भी इसमें इसको बढ़ा सकता हूँ, क्या क्या इसको आपको बढ़ाना है, या आपको और किस तरह की न्यूज देखनी है वो आप बता सकते हैं। देखने के लिए धन्यवाद।